दोस्तों, देश की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा है और वर्तमान में देश के लगभग 90% लोग के पास अपना आधार कार्ड है। लेकिन क्या आपको पता है भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। आज भारत में 90% से भी ज़्यादा लोगों के पास उनका खुद का आधार कार्ड है। वही दूसरी तरफ, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि देश में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? जनवरी 2009 में भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण का गठन किया और 2010 से आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया। बात अगर भारत के सबसे पहले आधार कार्ड की करें तो देश में पहला आधार कार्ड 29 दिसंबर 2010 को रंजना सनाबने का बना था। रंजना महाराष्ट्र की रहने वाली एक महिला है जो कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तंबाली में था और ये पुणे से करीब 470 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे ये भी प्रमाणित होता है आधार कार्ड को बनाने का प्रारंभ महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तंबाली गांव से ही शुरू किया गया था और रंजना सनावने का उनका पहला आधार कार्ड सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूद में दिया गया था। और दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि आधार कार्ड का जो फोटो होता है वो फोटो आप जैसा हो उतना अच्छा नहीं आता है। एक कहावत है, इंसान उतना अच्छा भी नहीं होता जितना वो फेसबुक व्हाट्सएप पर दिखता है और उतना खराब भी नहीं होता है जितना आधार कार्ड पर दिखता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ जानकारी मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए।